बहुत ज्यादा। अरे धात छुड़ी गया, छुड़ी गया। हे गाइस, वी आर बैक टू माय अदर वीडियो। मेरा नाम है सौरभ और आप लोग देख रहे हैं फिटनेस ब्लॉगर। अभी हुए हैं सुबह के, बज रहे हैं 10 और हम लोग निकल रहे हैं 10 अश्वमेध घाट, गंगा घाट भी कहते हैं, मतलब सारे 80 घाट कहते हैं यहाँ पे है। तो अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं, भैया से पूछा गया है कि कौन सा घाट अच्छा है तो यही बताए हैं। और रात को आपने अगर पिछला ब्लॉग देखा होगा तो फिल्म का लेवल ही लगता। तो ये हम लोग का चौथा एपिसोड होने वाला है, तो आप लोग यहाँ तक अगर बने हुए हैं साथ में तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और शेयर वीडियो को करते हैं, ठीक है। इतनी मेहनत लग रही है, ब्लॉगिंग करनी आसान बात नहीं है, हम अब जान गए बातें। तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और कंटिन्यू करते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो चलिए चलते हैं। सही है, मैं पिछली बार आया था इतना डेवलप नहीं हुआ था, बहुत सही दिख रहा है। ऐसे वो कहता है कि ये छिछोरे कपड़े आपके सूट नहीं करते, ये चोला पता नहीं क्या ग्रहण करिए। तो कहता है चोला क्या चुनी है। साड़ी दिखा दें, हम साड़ी लेके क्या करेंगे, साड़ी का भी हुआ नहीं है। गर्लफ्रेंड रहती तो कुछ सोचते भी, हम दाढ़ी वाड़ी सूट देख लेते। हम सोचे थे कि वो वाला लेंगे, हम वाला लेंगे। अरे वो जो एक टी शर्ट करके आता है ओम वाला करके, लेकिन वो अभी पता है पूछे भी नहीं ना कितने का दे रहे। देखो भाई, सबसे बड़ा सुकून बाबा का दर्शन करके मिलेगा। हाँ, बाबा का दर्शन करना बहुत जरूरी है। काशी में आए बाबा का दर्शन ना किए तो कुछ नहीं। और बनारस आए और नहा नहीं तो क्या मतलब है। देखो मैं तो नहाने वाला, अगर आप ये साउथ में होटल में रूम लेके भी नहा लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। पानी यहीं का है सर, पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। नहीं दिखाते हैं व्यू, आगे का देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक सेकंड, आप लोग व्यू दिखाते हैं। कहाँ पे आरती होती है? आरती की तरह। अच्छा वहाँ पे अच्छा, पहले हम भी लोग आते थे ना ऐसे बाल, मतलब बचपन लोग एक ही बार आते हैं।
बंगाली हम तो चलिए ये तो लग गया, अच्छा दिख रहा है। ये मिले हैं ये पिंक टी शर्ट वाले, वो लेके जा रहे हैं, कह रहे मंदिर का रास्ता इधर से पास में है तो यहाँ भी देख लेते हैं, ये भी घूम लेते हैं, मंदिर जाना ही है। तो दर्शन हो गया और यहाँ पे देखो क्या है, प्रसाद के लिए थे हम लोग, ठीक है, तो वो पहले बताया ही है, बाहर पहले बताया नहीं कि कितना चाहिए कितना नहीं, और आने के बाद बहस करने लगा कि नहीं हमको 500 दो, ये दो, वो दो। तो भाई तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि इतना हम चार्ज लेते हैं, तो भाई बात कम तो किया नहीं है, फिर भी आप लोग अगर कभी आए तो ये सब पूछ लेना पहले से, ये सब बहुत ही दर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, सीलिंग भी दिखी गई, और ये लफड़े उफड़े वाली बात चल रही है वो भी पता नहीं, मैं पहली बार आया था, पूरा आस में ही है इसके बारे में, अब न्यूज़ में जो आ रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा। चलो अभी हम लोग स्टेशन की तरफ निकल रहे हैं धीरे धीरे, सब अब जल्दी ना, ट्रेन 5 बजे है, अभी 12 बजे तो देखते हैं क्या करना है, अभी मौसम फिर कल के जैसे ही बादल हो जाए, रास्ता ही सुनना रख दे तो आप साथ में ट्रेन है, अभी 12 बज रहे हैं, तो अभी रूम पे फिर हम लोग लौट रहे हैं, फिर रुका जाएगा, थोड़ा आराम किया जाएगा, नाश्ता पानी कर चुके हैं और फिर निकला जाएगा घर के लिए, अभी इसको यही इंड सोच रहे ना करें, घर पहुंच के करेंगे, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन 4 एपिसोड में इसको ख़त्म भी करना, क्योंकि ये वाला जर्नी बहुत लंबा हो जाएगा, तो आगे अगर कोई मतलब अभी चाइन करें तो अभी हम लोग पहले रूम पे चलते हैं, ठीक है, तो आराम कर यार, बहुत भीड़ था, तुम देखी होगे, चलो तो हे गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, ठीक है, अभी ट्रेन 5 बजे है, 4 बज गया है, तो पहले निकलना ज़रूरी है ना, वरना छूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो चलते हैं अभी, ठीक है, स्टेशन चलते हैं, कुछ और नहीं बोलना, और तो अभी हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं, ठीक है, और 5 बजे ट्रेन है, 4:30 हो रहा है, टाइम ही से है, मिल जाएगी ट्रेन, तो आप लोग बताओ वीडियो कैसा लगा, अगर मतलब अभी तो क्या हमेशा कहीं घूमना होगा नहीं, अभी घूमने आ गए तो आ गए, तो
आगे तो फिर हम लोग जिम में मिलते ही रहेंगे। नहीं है तो क्यों जाए, है कि नहीं? जब पीछे बोर्ड लगा है कि मतलब नहीं जाना है तो लोग जा रहे हैं, जान नहीं जानी चाहिए। तो 5 नंबर पे ट्रेन आ रही है, अनाउंस हुआ अभी, तो अभी हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं। अरे यार सीढ़ियाँ चल चल के तो और थक गए हम लोग, बहुत सीढ़ी चल रहा है, बहुत ट्रेन है हम लोग। अचानक चला गया, चलो आगे रख देंगे ना, ये बॉटल गिर जाएगा। बोगी में चलते हैं फिर ऑन करते हैं। हम लोग रुके, हम लोग आ गए मॉल, ठीक है, और यहाँ पे बारिश हो रही है, दबा के बारिश हो रही है, और बाइक से जाना है घर। जैसे अब वो तो आगे बढ़ के देखते हैं बारिश में जाना है कि नहीं जाना है, या फिर स्टेशन से आगे एसी लगा के सोएंगे, फिर एसी चलता रहेगा रात। मौसम वहाँ पे इतना धूप था, टेम्परेचर इतनी हाई थी, अब यहाँ पे इतना लो, तबीयत ना खराब हो जाए बस। चलो कुछ ना कुछ तो होना ही था जब लोगों ने कहा, तो अभी देखते हैं क्या करना है, उसके बाद बताते हैं आप लोग। तब तक के लिए वो क्या कहना, कंटिन्यू करना ब्लॉग, अभी बारिश में तो दिक्कत ही होगी ना, तो इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा वेट करें, घर पे जाने का कैसे भी हम लोग प्रयास करें। अभी टाइम हो गया है 7 बज गए, टाइम से ही ट्रेन है, लेकिन बारिश की वजह से लग रहा है लेट हो जाएगा, तो देखते हैं अभी क्या होगा। और तो सब ठीक ही है, ये लास्ट ही ब्लॉग है हम लोग का, तो लास्ट है ये एपिसोड, ये लास्ट है, तो जर्नी